मॉर्निंग स्टूडेंट, आज बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है, इसके अंतर्गत 24वां लेक्चर जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 20 लेक्चर मैकेनिक्स के बनाए थे, उसी सीरीज में ये थर्मोडायनेमिक्स का चौथा लेक्चर है। ठीक है, तो आज फिजिक्स के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है टॉपिक? टॉपिक का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये सबसे पॉपुलर नियम है, इसका उपयोग बार बार ऊष्मागतिकी में करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें है क्या, इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा समझ लो पहले। यहाँ पर क्या है कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी निकाय है, अगर उस निकाय को डी क्यू ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा जो है दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक तो बाह्य कार्य करने में और शेष भाग जो है वो क्या होता है आंतरिक ऊर्जा को वृद्धि में सहायक होती है। जो भी सिस्टम लेते हैं, जो भी निकाय लेते हैं, उसकी अपनी खुद की क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? उसकी खुद की आंतरिक ऊर्जा होती है। इसमें देखिए, जब किसी निकाय सिस्टम को डी क्यू ऊष्मा दी जाती है तो उसका कुछ भाग बाह्य कार्य डी डब्ल्यू, देखिए किसी सिस्टम को जो ऊष्मा दी जाती है, इस निकाय को ऊष्मा दी गई तो इसका कुछ भाग बाह्य कार्य डी डब्ल्यू, यानी कि बाह्य कार्य जो है करने में व्यय हो जाता है तथा शेष डी यू आंतरिक ऊर्जा के वृद्धि में सहायक होता है। तो डी यू है, ये क्या है, आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में सहायक होता है, क्योंकि ये सिस्टम है, इसकी खुद की अपनी आंतरिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अर्थात डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि जो सिस्टम को दी गई ऊष्मा है ये दो भागों में विभक्त होगी, एक आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में और शेष जो है बाह्य कार्य करने में व्यय हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऊष्मा दो भागों में विभक्त हो गई। ये भी संभव नहीं है कि यहाँ पर डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू हो जाए, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि अवश्य, क्योंकि सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा होती है। ठीक है, इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यहाँ पर क्या है, सिस्टम को दी गई ऊष्मा दो भागों में विभक्त होगी, आंतरिक ऊर्जा के वृद्धि में तथा बाह्य कार्य करने में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अनुसार निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य, अब देखिए जब ऊष्मा देंगे तो ये निकाय पर ऊष्मा क्या करेगी, कार्य करेगी, तो क्या करेगी, कार्य करेगी, और वो कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू के रूप में लिखा गया है, कार्य तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि द्वारा संकलित होती है, और जो ऊष्मा है कुछ ऊष्मा क्या हो जाएगी, इसकी आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में सहायक होती है, यानी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में परिवर्तित हो जाएगी, तभी इसका संतुलन होगा। संतुलन तभी होगा जब ऊष्मा दो भागों में विभक्त होगी, अगर ऊष्मा जो है सिर्फ कार्य में पहुंचे ऐसा संभव नहीं, यानी कि निकाय क्या करेगा, क्योंकि निकाय के पास अपनी टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर क्या होगा, इस ऊष्मा पर कार्य करेगा, और कार्य करने के पश्चात क्या हो जाएगा, ये दो भागों में विभक्त हो जाएगी। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का ही एक रूप है। देखिए यहां पर ऊर्जा संरक्षण का एक रूप है, इसका मतलब क्या है, ऊर्जा जो है अपने फॉर्म को परिवर्तित करती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और ऊर्जा कभी भी क्या होती है, संरक्षित, नष्ट नहीं होती। संरक्षण क्या होता है, इसका फॉर्म में परिवर्तित होना। पहले बताया गया हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, यानी क्या होगा, ये अपने रूपों को परिवर्तित कर देती है, जब ऊष्मा होगी तो ऊर्जा होगी, ऊर्जा होगी तो क्या होगा, संवेग होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, तो क्या है, ये ऊर्जा संरक्षण का ही एक रूप है। इस नियम में तीन तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये तीन बिंदुओं पर आधारित है। तीन क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला बिंदु क्या है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। क्या कहा गया, ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसके अलग अलग रूप जो होते हैं, हमने प्रारंभ में बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, जितनी प्रकार की एनर्जीज हैं वो क्या है, वो सब ऊष्मा का ही रूप है। ये अपने
आकार को परिवर्तित कर सकती है लेकिन इस ऊष्मा को नष्ट नहीं कर सकते हैं। संरक्षण मतलब क्या होता है, इसका विनाश नहीं हो सकता है, ये अपने फॉर्म को चेंज कर सकती है लेकिन पूर्णतया नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर हो गई, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, यानी कि ऊष्मा जो है ऊर्जा का रूप है, ये अलग अलग रूपों में हम यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी बात आई, ऊष्मा गति के नियमों में ऊर्जा संरक्षण होता है। हमने ऊपर ही बताया ऊर्जा संरक्षण क्या है, कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये अपने फॉर्म को प्रयुक्त कर सकती है लेकिन इसको पूर्णतया डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये क्या हो गए, अपने फॉर्म को परिवर्तित कर लेगी, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म, दूसरे से तीसरे फॉर्म में परिवर्तित होती चली जाती है। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा क्या है, इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऊर्जा संरक्षण होता है। इससे की और निकल के सामने आती है, जैसे हमने बताया था जीरो लॉ जो है टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ऐसे ही फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का संरक्षण होता है। कभी भी क्वेश्चन आता है किसी ऑब्जेक्टिव में आया किसी, तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर ऊर्जा का संरक्षण होता है। तीसरा बिंदु क्या है, साम्यावस्था में प्रत्येक ऊष्मागतिक निकाय में आंतरिक ऊर्जा होती है। देखिए यहाँ पर जो निकाय दिया हुआ है, इस निकाय में साम्यावस्था क्या है, जब कोई ऊष्मा नहीं दी गई है, यानी कि अपनी इनिशियल पोजिशन में, तो इनिशियल पोजीशन में है, तो ये अपनी साम्यावस्था में, ना तो ऊष्मा दे रहा है ना तो ऊष्मा ले रहा है, उस समय क्या हो जाएगा, इस निकाय की अपनी आंतरिक ऊर्जा होगी, अपनी आंतरिक ऊर्जा होगी जो पहले से मौजूद है, ना तो ऊष्मा दी जा रही है ना तो ली जा रही है, और ये ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा है जो केवल निकाय के टेम्परेचर पर निर्भर करती है, यानी जो इसकी आंतरिक ऊर्जा है निकाय की वो क्या हुआ, इसके ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि निकाय में टेम्परेचर है, और टेम्परेचर अगर नहीं होता तो दो भागों में विभक्त भी नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि ऊष्मा जो है वो दो भागों में विभक्त, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसकी आंतरिक ऊर्जा, जो उसमें पहले से ऊर्जा मौजूद थी, क्योंकि उस ऊर्जा ने इसको दो भागों में विभक्त कर दिया, नहीं तो ऊर्जा क्या होती, दो भागों में विभक्त नहीं होती, हो सकता तीन में होती, होता एक से एक में विभक्त। कहने का मतलब यह है कि निकाय का अपना आंतरिक ऊर्जा होती है, और आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने क्या आज स्टडी किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया कि ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, साम्यावस्था में सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा होती है जो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ठीक है, इसी सीरीज में अगले वीडियो में बताएंगे इसकी एप्लीकेशन क्या है, कैसे ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है आइसोथर्मल के लिए, एडियाबेटिक के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।